में साइबर ठगी के मामले थमते नजर नहीं आ रहे हैं। आए दिन साइबर ठग किसी न किसी को अपना शिकार बना रहे हैं। अब तक तो साइबर ठग आम लोगों को ही निशाना बनाते थे, लेकिन अब ये ठग सीधे बैंकों को निशाना बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। नोएडा के बैंक पर साइबर अटैक। साइबर ठगों ने बैंक का सर्वर किया है। कई खातों में ट्रांसफर किए 16 करोड़ रुपए। गौतम बुद्ध नगर में साइबर ठगी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले हथियारबंद बदमाश बैंक लूटते थे, अब जालसाज घर बैठकर बैंक का सर्वर हैक कर पैसे उड़ा ले रहे हैं। इस बार साइबर ठगों ने बैंक को अपना शिकार बना डाला। साइबर ठगों ने नैनीताल बैंक के सर्वर को हैक कर 16 करोड़ रुपए पार कर लिए। साइबर अपराधी लगातार नोएडा में एक के बाद एक निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला नोएडा के सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक का है। इस बैंक के 16 करोड़ रुपए साइबर अपराधियों ने तकरीबन 90 अलग अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए। 16 जून से लेकर 20 जून तक साइबर अपराधी लगातार बैंक के सर्वर में सेंधमारी करते रहे और बैंक के किसी कर्मचारी को उस वक्त इसकी भनक तक नहीं लगी। जब जानकारी हुई, बैलेंस शीट मिलाई गई, तो इस बात की जानकारी हुई कि बैंक के खाते में मौजूद 16 करोड़ रुपए 11 राज्यों के अलग अलग तकरीबन 90 बैंक खातों में ट्रांसफर कर लिए गए। बैलेंस शीट के मिलान के दौरान मामले का खुलासा होने पर बैंक के आईटी मैनेजर ने साइबर थाने में केस दर्ज कराया। पुलिस आईपी एड्रेस के आधार पर बदमाशों की पहचान में जुटी है। सेक्टर 62 स्थित नैनीताल बैंक के आईटी मैनेजर मिस्टर सुमित श्रीवास्तव के द्वारा थाने पे तहरीर दी गई और ये कहा कि माह जून 16 से 20 के मध्य इनके सर्वर को किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर लिया और बैंक मैनेजर के कोड का इस्तेमाल करते हुए करीब 16.5 करोड़ रुपए 89 बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए। उस 89 बैंक के खातों की हमने सूची तैयार कर ली है और उसका स्टेटमेंट और उसकी KYC प्राप्त करके निकट भविष्य में अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाएगी और इस गैंग का इस साइबर क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा। ये रकम कई बैंकों के अलग अलग खातों में ट्रांसफर हुई। इस खुलासे के बाद उन सभी बैंक खातों को फ्रीज कराया गया, साथ ही खाता धारकों को KYC कराने को कहा गया। बैंक ने 69,49,960 रुपए रिकवर कर लिए हैं, लेकिन अभी 16,01,83,261 रुपए की ठगी की रकम रिकवर नहीं हो सकी है। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर अज्ञात जालसाजों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जालसाजों के कंप्यूटर का IP एड्रेस ट्रेस कर बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें बैंक वालों की भी किसी अधिकारी या किसी व्यक्ति या किसी कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। 62 की इसी इमारत के अंदर नैनीताल बैंक है, जिस बैंक में सेंधमारी हुई है। जानकारी होने के बाद बैंक के मैनेजर के द्वारा साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस अधिकारी इस बात से भी इनकार नहीं कर रहे हैं कि बैंक कर्मी को इसमें मिला हो सकता है। अब तमाम एंगल पर जांच की जा रही है। जो भी बैंक खाते थे, खास बात यह है उन तमाम बैंक खातों को जब इस फ्रॉड को किया गया उससे चंद महीने पहले खोला गया और उसके बाद पैसा उन खातों के अंदर ट्रांसफर किया और पैसा ट्रांसफर करके उस पैसे को विड्रॉल कर लिया। फिलहाल वो बैंक खाते उन बैंक खातों के अंदर अब कोई पैसा मौजूद नहीं है। नोएडा में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, मोटे मुनाफे का झांसा देकर 69 लाख की ठगी। नोएडा में शेयर ट्रेडिंग करने वाले साइबर ठगों के निशाने पर है, खासकर वो लोग जो ट्रेडिंग कर जल्द मोटा मुनाफा कमाना चाहते हैं। सेक्टर 137 में रहने वाले शरद त्रिपाठी को ठगों ने ऐसा लालच दिया जिसमें वो फंस गए। मोटा मुनाफा तो नहीं कमा पाए, लेकिन जीवन भर की कमाई जरूर लुटा बैठे। शरद त्रिपाठी नाम के व्यक्ति के द्वारा थाने पे एक तहरीर दी गई और ये बताया गया कि ये एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे। उस व्हाट्सएप ग्रुप में IPO पर इन्वेस्टमेंट करने के नाम पर सभी मेंबर्स को इंस्टिगेट किया जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि आपको 2000% प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट हुआ है, आपको इन्वेस्ट करें और बैठे बैठे पैसा कमाएं। ये उनके झांसे में आ गए और इन्होंने अप्रैल और मई के मध्य लगभग 69 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। जब वो पैसा निकालने की बात कहने लगे तो उन्होंने निकालने से मना कर दिया कि आप अभी नहीं निकाल सकते, आपको और भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप निकाल सकते हैं।
ठगों ने इन्हें अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने का झांसा देकर 69 लाख की ठगी कर ली। ठगों ने शलभ त्रिपाठी को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़कर मोटे मुनाफे का लालच दिया था। पीड़ित की शिकायत पर साइबर क्राइम थाना पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुटी है। सेक्टर 134 में रहने वाले शलभ त्रिपाठी को साइबर अपराधियों ने मोटा पैसा कमाने का लालच दिया और ट्रेडिंग में उनका पैसा निवेश कराया। अमरीकी IPO में निवेश कराने के नाम पर उनसे ठगी की गई और धीरे धीरे कर तकरीबन 70 लाख रुपए आरोपियों ने ठग लिए। जब उन्होंने पैसा निकालना चाहा तो उनको इस बात की जानकारी हुई कि उनको किसी तरीके का फायदा नहीं हुआ है, जबकि उनको झूठ बोलकर जालसाजी से ठगी कर ली गई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पीड़ित शलभ त्रिपाठी ने नोएडा के साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई है। FIR दर्ज करने के बाद पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जितने भी नंबर इसमें यूज किए गए उन नंबर्स के साथ साथ मेल ID किस IP एड्रेस से भेजी गई है उन सबको ट्रेस किया जा रहा है। नोएडा में महिला को किया गया डिजिटल अरेस्ट। कोरियर में ड्रग्स होने की बात कहकर डराया, डरा धमका कर कर ली 5 लाख की ठगी। कानून की किताब में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई शब्द नहीं है। ये एक फ्रॉड करने का नया तरीका है जो साइबर ठग अपनाते हैं। इसका सीधा मतलब होता है ब्लैकमेलिंग से, यानी इसके जरिए ठग अपने टारगेट को ब्लैकमेल करता है। इसी के जरिए नोएडा की एक महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए ठग लिए गए। दरअसल ठगों ने महिला की तरफ से भेजे गए कथित कोरियर में ड्रग्स, पासपोर्ट और अन्य संदिग्ध चीजें होने की बात कही थी। ठगों ने खुद को CBI और मुंबई क्राइम ब्रांच का आला अधिकारी बताया। इन लोगों ने डरा धमका कर महिला से 5,20,000 की ठगी कर ली। महिला को खुद को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनाने वाले साइबर ठगों ने महिला को वीडियो कॉल पर डिजिटल अरेस्ट किया और कई घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखने के दौरान उनसे कहा कि उनको क्रिमिनल केस में जेल जाना पड़ेगा। उनकी ID पर एक कोरियर भेजा गया, उस कोरियर के अंदर ड्रग्स और कई जो संदिग्ध चीजें हैं वो होने की बात कही गई थी। महिला इस पूरे मामले को लेकर डर गई। महिला से ये भी कहा कि उनके नाम से खुलवाए गए बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, तो महिला के पास जो 5 लाख से ज्यादा रकम थी डर कर महिला ने उन तमाम आरोपियों के बैंक खाते में डाल दी। जब महिला को इस बारे में पैसे चले गए तो उसके बाद महिला को इस बारे में जानकारी हुई कि उनके साथ साइबर ठगी हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर थाना सेक्टर 20 में महिला द्वारा शिकायत दी गई है। अगर आप थोड़ा जागरूक रहेंगे तो आप इस ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। नोएडा में साइबर क्राइम में ACP विवेक रंजन ने ठगों से बचने के तरीके बताए हैं। जब भी आपको कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ते हैं और उसमें आप देखें कि एडमिन कहाँ किस नंबर के हैं, कुछ एडमिन ज़्यादातर मामलों में मैं देखा हूँ उसमें +92 +44 +33 इस टाइप की विदेशी वर्चुअल नंबर्स को जोड़कर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाता है अथवा टेलीग्राम ग्रुप बनाया जाता है और उसमें लोगों को रातों रात पैसा डबल करना, ट्रिपल करना, चारगुना करने की नसीहत दी जाती है कि IPO लॉन्च हुआ है और अपने आप को मुझे भी ऐसा प्रॉफिट हुआ यह कहते हुए इंस्टिगेट किया जाता है। तो इस तरह की झांसे में नहीं आए। अगर आपको शेयर ट्रेडिंग करनी है तो आपका डीमैट अकाउंट के थ्रू आप इन्वेस्ट करें और जिस शेयर में आपको इन्वेस्ट करना है उस कंपनी के जेन्युइन वेबसाइट पर जाकर आप सारी जानकारी लें। नोएडा की थाना साइबर क्राइम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर क्राइम ने साइबर ठगों के एक गिरोह का खुलासा करते हुए 6 साइबर ठगों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। ये ठग हाई प्रोफाइल लोगों को डिजिटल अरेस्ट करके मादक पदार्थों की तस्करी और वैध पासपोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर डर दिखाकर ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। इनके कब्जे से मोबाइल फोन, फर्जी बैंक अकाउंट, एक लग्जरी कार बरामद की गई है। जयपुर से 6 लोगों की अरेस्टिंग की गई है जिससे डिजिटल अरेस्ट के कई मामले का खुलासा हुआ है। इनमें 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है जिनके मोबाइल के अवलोकन से हमें करीब 70-80 अकाउंट मिले हैं, जिसमें 60-65 अकाउंट ऐसे हैं जो कि तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड आदि कई स्टेट से जिनका संबंध है और इस संबंध में विशेष टीम गठित करके संबंधित राज्यों को और वहां पंजीकृत अभियोगों के विषय में बताया जा रहा है। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी व्हाट्सएप और स्काइप कॉल कर लोगों से बात करते थे और विदेश जा रहे पार्सल में ड्रग्स होने की बात कहकर मुंबई क्राइम ब्रांच की ओर से पकड़े जाने का डर दिखाते थे और ठगी को अंजाम देते थे। टीम न्यूज़ स्टेट।